हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू APTVLOGS। मैं आपका अंकुर त्रिपाठी वापस आ गया हूँ अपने चैनल पे। आज है जनवरी 12 तारीख 2019, सुबह के बज रहे हैं 6:45 और मैं बस एक मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हूँ बड़ दुबई एरिया में, जो यहाँ का मिनी इंडिया कहा जाता है। इसका रीज़न ये है कि 80% ऑफ द इंडियंस जो है दुबई में, वो यहाँ पे रहना प्रेफर करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि मोस्ट ऑफ द लोग जो यहाँ पे है वो इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी है। और यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द शॉपिंग एरियाज पास मिलते हैं, आपको इंडियन फूड इजीली मिल जाता है यहाँ पे। और क्या चाहिए यार, खाना पीना शॉपिंग सारा इंडियन लोग का यहीं पे मिल जाता है। और मेन चीज़ यहाँ पे है कि एक मंदिर है, हाँ जी, दुबई में एक मंदिर भी है जो गवर्नमेंट का अप्रूव्ड मंदिर है, तो जो भी लोग प्रे करने का सोचते हैं वो यहाँ पे पास उनको पड़ जाता है इस एरिया में। तो वही एक रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस यहाँ पर रहना प्रेफर करते हैं। इस एरिया को कहते हैं बड़ दुबई। मैंने बहुत ब्लॉगर्स लोगों को सुना है बुर दुबई बोलते हुए, तो बुर दुबई नहीं है, बुर कुछ और हो जाता है, ये आप भी जानते हैं। तो इट्स बर दुबई, नॉट बुर दुबई। तो चलिए मैं आपको बाकी का एरिया दिखाता हूँ। तो अभी आप देखेंगे सुबह का टाइम है और मोस्टली रास्ते खाली है, ट्रैफिक नहीं है, कोई लोग नहीं है, तो ब्लॉगिंग करने में आसानी होती है, ताकि कोई आपको एकदम अजीब व गरीब निगाहों से ना देखे कि आप भैया क्या कर रहे हैं, कैमरा लेके पागल की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे भी ज़्यादा ब्लॉगर्स को आप देखेंगे नहीं, गिन चुन के आपने 2-3 ब्लॉगर्स को देखा होगा। एक तो वो मूव ब्लॉग्स करके जो है, ये है अर्ली मॉर्निंग का व्यू। अब मोस्टली सुबह का टाइम है तो इसलिए आपको कोई ज़्यादा दिखेगा नहीं यहाँ पे, और कोई परेशान करने वाला भी नहीं है, तो आप इजीली आप यहाँ पे ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं यहाँ से दुबई म्यूज़ियम के पास से, जो बड़ दुबई में ही आता है। यहाँ पे मोस्टली आप ओल्ड एंड हेरिटेज जो दुबई है वो आपको ज़्यादा देखने मिलेगा इस एरिया में। ये आ गए हम दुबई म्यूज़ियम के पास, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और पीछे देखिए ये एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, और ये है म्यूज़ियम पीछे मेरे। और ये पीछे आप जो बर्ड्स की आवाज़ सुन रहे हैं, ये माइग्रेटिंग बर्ड्स है जो दिसंबर से लेके नवंबर के एंडिंग से आना शुरू हो जाते हैं और तकरीबन मार्च तक यहाँ पे रहते हैं। तो ये छोटी छोटी चिड़िया आपको दिख रही होगी आसमान में बहुत सारी, ये देखिए इस तरफ। और इसके अलावा सीगल भी आता है, एक वाइट कलर का बर्ड है जो मैं आपको क्रीक की तरफ दिखाऊंगा, वो भी एक बर्ड है, वो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। तो ये काफ़ी सारे झुंड में आते हैं, तो अगर आप दिसंबर से लेके मार्च के आसपास आते हैं दुबई में एज अ टूरिस्ट भी, तो आपको ये सारे नज़ारे देखने मिलेंगे। ये यहाँ का अरेबियन कोर्ट होटल जो पीछे की तरफ आपको दिख रहा है, ये नीचे म्यूज़ियम का एरिया है। और ये वो बोट है यहाँ पर जो रखी है, ये है ये पूरा म्यूज़ियम यहाँ पे। सबसे सस्ती एंट्री आपको जो दुबई में मिलेगी वो यहाँ पे मिलेगी, तकरीबन कुछ 2 या 4 दिरहम ही है इसमें एंट्री फी। अभी तो ये अर्ली मॉर्निंग है इसलिए बंद रहेगा, लेकिन सबसे सस्ती एंट्री आपको यहीं पे मिलेगी दुबई में। बाकी सब जगह पे आपको 20, 30, 40, 50, 100 दिरहम के आसपास की एंट्री मिलेगी। सबसे अच्छी बात इस एरिया की ये है कि ये जो दुबई म्यूज़ियम के पीछे का एरिया है, यहाँ पे आपको मंदिर भी मिल जाएगा, मस्जिद भी मिल जाएगा, और आपको गुरुद्वारा भी मिल जाएगा। तो अगर आप कभी पेरेंट्स के साथ यहाँ पे आ रहे हैं और उनको मंदिर में जाने की इच्छा होती है, तो उनको दुबई म्यूज़ियम के पास लेके आइए। और उसके बिल्कुल पीछे की तरफ यहाँ पर मंदिर है जहाँ पर आप जा सकते हैं। इनके कुछ टाइमिंग्स हैं जो तकरीबन सुबह 6 बजे शुरू होता है और रात को तकरीबन 8:30-9 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है, तो यहाँ पे आप कभी भी आ सकते हैं। उसी को लगके एक छोटा सा गुरुद्वारा भी है यहाँ पे, गुरुद्वारा 2 है, एक जो है एक दुबई में है जो छोटा है,
और एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है जो जबेल अली में है, तो वो भी एक देखने लायक जगह है अगर आप मंदिर या गुरुद्वारा देखने के लिए आ रहे हैं तो। बाकी मस्जिद तो आपको काफ़ी जगह पे मिल जाएगी जहाँ पे आप कंफर्टेबली जा सकते हैं। तो ये है वो म्यूज़ियम के पीछे की तरफ का एरिया और बिल्कुल यहाँ से है मंदिर का एंट्रेंस। एक ये मस्जिद है और एक यहाँ से भी एंट्रेंस है। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ अल गुबैबा क्रीक की तरफ जहाँ पे एक छोटा सा वाटर स्टेशन है, तो वो आप देख सकते हैं। यार सच में इंडिया हो या दुबई हो, चक्कर वही है। आप व्लॉगिंग करना शुरू कर दो तो लोगों को लगता है ये बंदा क्या कर रहा है कैमरा लेके। तो बस थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ, क्योंकि मैं तो एक कोई रिनोन्ड ब्लॉगर तो नहीं हूँ यहाँ पे। मैंने बस अभी व्लॉगिंग करना शुरू किया है। अब अभी दुबई में बहुत सारी जगह है जो डेफिनेटली देखने लायक है, तो आई डोंट नो वो ब्लॉगर्स लोग क्यों कवर नहीं करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपने ब्लॉग्स के थ्रू मैं उन एरियाज को कवर करूँ जो आप लोगों ने बाकी चैनल्स पे नहीं देखा है। अभी आप दुबई आएंगे और आप बैंक ऑफ बड़ौदा से डील करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे फुल फ्लेज्ड ऑपरेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा है। यहाँ पे काफ़ी सारी इंडियन बैंक्स हैं, मोस्ट ऑफ देम रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस कहते हैं उसको, जो सिर्फ ट्रांजैक्शंस के लिए काम में आती है। मगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखेंगे मेरे पीछे की तरफ, ये फुल्ली ऑपरेशनली बैंक है जो काफ़ी टाइम से चल रही है दुबई में। आई मीन दिस इज़ द ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडियन बैंक इन दुबई। तो अभी हम आ चुके हैं क्रीक स्टेशन। जैसे हमारे यहाँ पे होता है मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन, वैसे यहाँ पे है वाटर स्टेशन। इज़न्ट इंटरेस्टिंग? और ये क्रीक का पानी आप देखिए कितना साफ है, इसमें मछलियाँ भी हैं। आई एम श्योर आप देख पा रहे हैं। मैं जितना हो रहा है हो सकता है उतना स्टडी रखने की कोशिश करता हूँ कैमरा को। तो इसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी मछलियाँ हैं। ये एक्चुअली समंदर का पानी ही है जो चैनलाइज किया गया है सिटी के अंदर। तो अगर आप बड़दुबई एरिया में आ चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे गोल्ड की शॉपिंग करनी है, गोल्ड मार्केट का है, आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा निखिल शर्मा का जिसमें उसने एक बहुत बड़ी रिंग बताई थी जो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में आई थी, तो वो गोल्ड रिंग जो है ये दुबई के गोल्ड सूक में है, जिसके लिए आप ये पीछे पीछे जो मेरे छोटी सी बोट देखेंगे यहाँ से, ये तकरीबन एक दिरहम मतलब आपको 18 रुपए में सिर्फ यहाँ से वो उस पार लेके जाएगी जहाँ से गोल्ड सूक शुरू होता है। ये जो आप छोटी सी बोट देख रहे हैं यहाँ की, ये लोकल बोट्स हैं जो तकरीबन एक दिन में आपको यहाँ से वहाँ दूसरे स्टेशन में पहुँचा सकती है। बाकी पीछे आप जो बोट देख रहे हैं बड़ी वाली, ये तकरीबन सिर्फ सामान लेके जाने के लिए काम में आती है। तो अगर आप कभी बड़दुबई एरिया की तरफ आ रहे हैं और स्पेशली इस बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ आ रहे हैं तो इस वाटर स्टेशन को मत भूलिएगा। यहाँ से आप ये बोट की सवारी का मज़ा ले सकते हैं और सिर्फ एक दिन में, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैंने बहुत लोगों को देखा है टूर पैकेजेस लेके आते हैं और सिर्फ बस में घूम के पूरा दुबई ख़त्म कर देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप ठंडी के मौसम में आ रहे हैं तकरीबन दिसंबर से लेके मार्च के तरफ, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी मज़ा ले सकते हैं और ये बहुत ईजीली अवेलेबल है। आपको यहाँ पर एक मैप मिल जाता है। ब्यूटीफुल है तो मैं आपको वो दिखाता हूँ अभी, मगर ये थोड़ी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू आपने जो अभी देखा वहाँ पे लोकल बोट्स। और उस लोकल बोट को कहते हैं आबरा, जिसमें सिर्फ एक और एक दिरहम में आप मोस्ट ऑफ द छोटे छोटे जो स्टेशन से बड़दुबई से लेके कनेक्टेड है वो आप कवर कर सकते हैं। ये बस अभी मॉर्निंग सनराइज हो ही रहा है ना, खूबसूरत व्यू। तो अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये दुबई की
ऑफिशियल आरटीए बोट्स हैं जो आपको दुबई मरीना की तरफ लेके जाएगी अगर आप बड़ दुबई एरिया में आ रहे हैं तो। जी, ये पूरी एयर कंडीशन बस है और पीछे डेक भी है, अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो उसमें आ सकते हैं। मगर इसकी टिकट जो है तकरीबन 40 से 50 दिरहम के आसपास मिलती है आपको। बाद में आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे टिकट सिस्टम नहीं है, तो आप डायरेक्टली कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मत घुसिएगा। यहाँ पे एक कार्ड मिलता है जिसको नॉल कार्ड कहते हैं, एक छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड रहता है जो काफ़ी सारे टिकट स्टेशन पर आपको मिल जाता है, जिसमें आप रिफ़िल कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल में रिफ़िल करते हैं वैसे आप कार्ड में रिफ़िल कर सकते हैं। मिनिमम रिफ़िल 20 दिरहम का होता है, जो आप 6200 दिरहम के आसपास आराम से करके पूरे दुबई में उस कार्ड के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। आपको वो कार्ड किसी को दिखाना नहीं होता है, मगर आप जब भी कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप ट्रैवल करते हैं तो हर जगह पे मशीन्स लगे होते हैं, वहाँ पे आपको जाके सिर्फ वो कार्ड टच करना है एंट्री के टाइम पे, और जब आप एग्जिट करें तब भी करना है। तो क्या होगा कि आपका फेयर जो है वो मशीन टू मशीन कैलकुलेट हो जाएगा और उसमें से कट जाएगा। एग्जिट करना कभी मत भूलिएगा, नहीं तो इसमें क्या होगा, आपने एंट्री पे टाइम पे टैप कर लिया और आपने एग्जिट कर लिया बिना टैप किए तो आपका मैक्सिमम बैलेंस कट जाएगा। तो ये आप कभी मत भूलिए, आपको एंट्री के टाइम पे भी हमेशा टैप करना और एग्जिट के टाइम पे भी करना है। आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाइए, आपको हर जगह पर ये मशीन दिखेंगे, और जहाँ पर आप फेल होते हैं इस चीज़ को टैप करने पर तो वहाँ पर टिकट चेकिंग भी होती है जैसे इंडिया में होती है। और अगर आप पकड़े के जाते हैं बिना टैप किए, आपने यूज़ किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो आपको 200 दिरहम के आसपास फ़ाइन लगता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मॉर्निंग की एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, जॉगिंग के लिए आते हैं, तो बहुत अच्छा एरिया है। अगर आप रनिंग और इसमें रहें तो आप इस एरिया में ज़रूर आएँ, बहुत बड़ा रनिंग ट्रैक मिल जाएगा आपको। आप यहाँ से देखिए पीछे की तरफ पूरा सर्कल है, ऑलमोस्ट मोर देन 5 to 6 किलोमीटर रहेगा ये। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा मैं, अगर आप इसी एरिया में आ रहे हैं और अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जाना है, अगर आपके जेब में बहुत सारा नोट है तो आप इस तरह की बोट्स भी हायर कर सकते हैं। ये जो छोटी छोटी बोट्स होती है ये आपको 100 दिरहम से आसपास मिल जाती है, जो तकरीबन 1600 से 1800 दिरहम के आसपास इसका चार्ज हो जाता है। पीछे की तरफ आप देख रहे हैं क्रीक एरिया जो है, तो आप आपकी पूरी फैमिली के साथ इसमें बैठ के तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का बोट राइड आप ले सकते हैं, जो आपको पुराना दुबई जो है पूरी अच्छी तरह से दिखा देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करना चाहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोगों के साथ नहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप इस तरह की बोट यहाँ पे आके हायर कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी घूमते रहते हैं, आप लोग डायरेक्टली अप्रोच करके पूछ सकते हैं कि उनका बोटिंग का रेट क्या है, वो हिसाब से आप कोई बोट हायर कर सकते हैं। देखिए आप नेगोशिएट कीजिए रेट में, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम आपको 100 दिरहम तो लगेंगे इसमें ट्रैवल करने के लिए, इससे कम में कोई नेगोशिएट नहीं करेगा। तो अगर कोई आपको ज़्यादा बोल देता है 400-500 दिरहम के आसपास, तो याद रखिए कि आपको थोड़ा नेगोशिएट करना है। 100 तो मैंने मिनिमम कहा है, लेकिन आप जैसी बोट है उस हिसाब से रेट जो है आप डिस्कस करके आप इस बोट राइड का मज़ा ले सकते हैं। मैं चलते चलते तो बहुत दूर आ चुका हूँ, तो अभी थोड़ा रिटर्न जाना पड़ेगा। व्लॉग बनाते बनाते मैं कहाँ पहुँच गया मुझे पता ही नहीं चल गया। तो अभी हम चलेंगे थोड़ा मंदिर के पीछे के एरिया की तरफ, जो होगा यहाँ पे ओल्ड मार्केट है, जहाँ पे आपको स्पाइसेस अगर लेने हैं, केसर वेसर कोई लेने की कोशिश तब जो सोच रहा है, तो वो वहाँ बहुत अच्छा मिलता है। बाकी ओल्ड मसाले जो है, बहुत तरह के मसाले जो हमने कभी इंडिया में देखे भी नहीं है, वो सारे ईरान से फ्रेश मसाले यहाँ पे आते हैं, तो वो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और बहुत सारी एंटिक चीज़ें भी वहाँ पे मिलती है, अगर कोई शीशा या हुक्का करने का शौकीन है तो वहाँ पे हुक्का का फ्लेवर और सब मिल जाता है, वो तो मोस्ट ऑफ़ द जगह पे मिल जाता है। मगर आप ट्रेडिशनल इजिप्शियन हुक्का ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी आपको बहुत जगह पे वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा कश्मीर की पश्मीना शाल वहाँ पे बहुत अच्छे से मिल जाएगी, तो हम कोई भी कश्मीर जाके ले सकते हैं, मगर यहाँ पे भी इसका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो भी आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, मगर प्राइसिंग डेफिनेटली हाई रहेगी दुबई के हिसाब से, तो वो आप थोड़ा नेगोशिएट करके ले सकते हैं।
तो अभी हम आ गए हैं दुबई के ओल्ड सूक में। यहाँ पे ये मार्केट लगा है जो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा आपको दिखाया, ये बिल्कुल उसके पीछे की तरफ है। तो इस मार्केट में आप आके जो पश्मीना शॉल है, यहाँ के लोकल स्पाइसेस हैं, केसर है, बाद में जो भी छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिए कि आप इंडियन हैं और दबा के बार्गेनिंग कीजिए यहाँ पे आके। बिल्कुल मत शर्माइए कि आप दुबई में आए तो आपको बार्गेनिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आपको रेट काफ़ी ऊपर नीचे बताए जाएंगे, तो आप स्मार्ट बनिए और जी तोड़ बार्गेनिंग करके बेस्ट प्राइस पे आप वो चीज़ उठाइए यहाँ से। तो आप देखेंगे अभी तो ये सारी शॉप्स बंद है यहाँ पे, मगर जैसे 10-11 बजेंगे ये सारी शॉप्स जो आप देख रहे हैं मेरे राइट और लेफ्ट में, ये सारी खुल जाएंगी और ये एरिया पूरा क्राउडेड हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्राउड जो आपको इस एरिया में दिख रहा है वो सिर्फ मंदिर की तरफ जाने वाला क्राउड है। तो अभी आपका भाई घूम घूम के थक गया है और यहाँ पे उसको जगह मिल गई है बैठने के लिए। यहाँ पे कटिंग चाय नहीं मिलती, यहाँ पे कड़क चाय मिलती है जो इस तरह के ग्लास में मिलती है। ये आप चाय का मज़ा यहाँ पे ले सकते हैं एक ग्राम में जो है 16 रुपये में। बॉम्बे में आज भी चाय मिल जाती है कड़क, कटिंग चाय तकरीबन 10 रुपये की, मगर ये उससे ज़्यादा ही मिलती है। आप देखेंगे यहाँ पे अभी आपका भाई यहाँ पे चाय के मज़े लेगा और तो उसके बाद आपको मंदिर के पीछे का एरिया और क्रीक एरिया दिखाएगा, सॉरी, और उसके बाद घर चला जाएगा। यार मैं थक गया। ये है वो मंदिर के पीछे का एरिया, यहाँ पे से आप देख सकते हैं आगे सिटिंग एरिया लगाई हुई है और बहुत बड़ा एम्प्टी स्पेस है। काफ़ी लोगों को आप देखेंगे हाथ में प्रसाद लेके आते हुए, तो ये गुरुद्वारे से मिलता है। चलिए अब निकल पड़ते हैं घर की तरफ। और ये जो है क्रीक के बैक साइड का एरिया है, जो मंदिर मैंने आपको दिखाया उसके पीछे की तरफ से भी जाता है ये एरिया। और पीछे देखिए यहाँ पे पानी है और बोट यहाँ से जा रही है और ये बिल्कुल एम्प्टी एरिया है। तो अगर आप फोटो शूट करना चाहते हैं तो आप इस एरिया में आ सकते हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सूरज ऊपर आ चुका है, मैं अपने सनग्लासेस भूल गया हूँ, तो डेफिनेटली ये थोड़ी अभी सामने की तरफ देखने के लिए तकलीफ होगी बात करते वक्त। आप मेरे पीछे देखेंगे ये वही एरिया है जहाँ पे आपने मुंबई का निखिल का ब्लॉग दिखा होगा, उसमें रात के समय का जो सीन था जहाँ पे जिग्नेश भाई को धक्का लग रहा है। तो बस ये वही जगह है, ये वही क्रीक का एरिया है। यहाँ पे बिल्कुल बाउंड्री नहीं है, आप देखेंगे यहाँ से कोई अगर आपको धक्का वक्का मार दे तो आप सीधा पानी में गिर जाओगे और ये पानी काफ़ी डीप है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूँगा, दुबई में आप आएंगे तो आपको मोस्टली स्ट्रे कैट्स दिखेंगी, स्ट्रे डॉग्स नहीं दिखेंगे। यहाँ पे बिल्लियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, आपको कुत्ते बिल्कुल नहीं दिखेंगे यहाँ पे, जैसे आपको इंडिया में दिखते कुत्ते और गाय, मगर यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बिल्लियाँ दिखेंगी और कबूतर दिखेंगे। और यहाँ की बिल्लियाँ बहुत ही प्यारी है, बहुत ही साफ़ सुथरी है। आप देखिए एक से एक ब्रीड आपको देखने मिलेंगी बिल्लियों की यहाँ पर। ये देखिए मेरे कैमरा के स्ट्रैप के साथ खेल रही है, एटी खेल खेल खेल, बस उसका मूड खत्म हो गया है। चलो
तो दोस्तों बिल्लियों के साथ ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपने सारा ब्लॉग एंजॉय किया होगा। मैंने जितना हो सकता है उतनी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है आपको, ओल्ड दुबई के बारे में, म्यूज़ियम के बारे में, मंदिर के बारे में, यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में, शॉपिंग के बारे में। अगर आपको लगता है कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझसे छूट गई है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपकी भाई की मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जितने लाइक्स आएंगे उतना आपके भाई की चैनल आगे बढ़ेगी और वो और वीडियो बनाएगा और थोड़ा उसको कॉन्फिडेंस आएगा चीज़ों में। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। बाकी टेक केयर, हैव अ नाइस ईयर एंड चाओ।